हो रहा है कि जो लोग ऑडियंस में बैठे हैं उनकी एक तो एवरेज एज जो है वो ज़रा यंगर लॉट वाली नहीं है। सब मैच्योर और समझदार लोग हैं जिन्होंने देश के संविधान को और देश की राजनीति को और उसके समाज को अच्छी तरह से जाना और परखा है। मेरे लिए ये एक बहुत बड़े ऑनर की बात है कि एक स्वतंत्रता सेनानी और एक विधायक और एक समाज का कार्यकर्ता जिसने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में और समाज सेवा में लगाया हो, उसके 100वें जन्मदिन के अवसर पर और 12वीं पुण्यतिथि पर मैं कुछ बातें आपके समक्ष उस विषय पे रखें जो विषय मैं समझता हूँ आज देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं गोरखपुर आया हूँ। आज मैं सोच रहा था तकरीबन 43 साल बाद, 43 साल पहले मैं जब मुरादाबाद में पढ़ता था तो यूपी में, अब मुझे नहीं मालूम होती है या नहीं होती, एक बहुत प्रतिष्ठित वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी, डॉक्टर संपूर्णानंद वाद विवाद प्रतियोगिता, जो इंटर कॉलेजेस और हाई स्कूल्स के बीच होती थी। और उसमें हर ज़िले में पहले दो लोग चुने जाते थे सारे ज़िले के कॉलेजेस में से, और फिर कमिश्नरी से दो लोग चुने जाते थे, और उस ज़माने में शायद 11-12 कमिश्नरीज थीं। तो मैं यहाँ आया था और मैंने वो प्रतियोगिता जीती थी, तो मेरी बड़ी अच्छी यादें गोरखपुर से हैं। और फिर जाहिर है कि गोरखपुर ने जो देश की लिटरेरी संस्कृति में योगदान दिया है वो बहुत बड़ा योगदान है। उस डिबेट को जीतने के बाद उसी साल मैंने 12वीं पास कर ली और फिर मैं अलीगढ़ चला गया। अब यहाँ कई लोग अलीगढ़ वाले हैं, उन सबको जो सीनियर्स हैं मैं अपना अलीगढ़ की रिवायत के हिसाब से 90 डिग्री पर सलाम कर लेता हूँ। दूसरे अलीगढ़ में रैगिंग की तो रिवायत तब भी नहीं थी और अब तो यूजीसी ने बंद कर दी है, तो इंट्रोडक्शन होता था तो सीनियर्स को भी ये कुछ पता चल गया कि साहब ये वाद विवाद प्रतियोगिता जीत के आए हैं, और बड़े अच्छे अच्छे सवालात पूछे जाते थे। जैसे मुझसे ये सवाल पूछा गया कि भाई पहले तो आप एक स्पीच दें, बहुत बड़े वक्ता बनते हो अपने आप को, जूनियर पार्टनर, तो आपको बोलना है, ये अरबी की एक कहावत है अध्यक्ष महोदय, कुल्लुन तवीलुन अहमकुन इल्ला उमर, के जितने लंबे हैं वह सब बेवकूफ़ हैं सिवाय जो सेकंड कैलिफ थे हज़रत उमर। तो उस पे मुझे स्पीच देने को कहा गया, वो खैर मैंने दी कुछ कुछ। फिर दूसरा ये उन्होंने कहा कि भारतवर्ष को एक शब्द में बताना है कि भारत क्या है। तो मैंने कहा विभिन्नताएं, और उसके बाद मेरा किसी सैटरडे में इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, वरना 7-8 सैटरडेज बेचारे जूनियर्स का रात में 3-4 घंटे इंट्रोडक्शन होता था। तब से ये विभिन्नताएं मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गई, और आज मैं ये देखने की कोशिश करूंगा आपके साथ कि भारत का जो संविधान है वो विभिन्नताओं को कैसे देखता है। भारत होमोजिनिटी का नाम नहीं है, ये हिट्रोजिनिटी का नाम है। इसलिए ये बात कहना कि एक देश हो और एक भाषा हो और एक धर्म हो और एक लॉ हो और एक इलेक्शन हो, ये
इंडिया के आइडिया के खिलाफ है बात। स्कूल में जो किताबें थीं अब तो बहुत सी बदल गई हैं, उन किताबों में भी एक कोई ऐसे था जिसमें ये लिखा था कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले बानी, कि जो टेस्ट ऑफ वाटर है, स्वाद है पानी का भारत में, वो हर कोस पर बदल जाता है और चार कोस आप चले जाएं तो भाषा बदल जाती है। अभी मैं आपको आगे आने वाला बताने वाला हूं कि हमने भाषाओं के साथ क्या किया। जब हम संविधान बना रहे हैं, ये बड़ा कठिन समय है, देश का विभाजन हो गया है, धर्म के नाम पर विभाजन हो गया है, और अभी हम संविधान बना ही रहे थे कि जो थोड़ा बहुत धर्म निरपेक्षता पाकिस्तान में आ सकती थी, जिना की वजह से उनकी मौत हो गई और पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र बन गया। तो भारत भी अगर ये फैसला करता कि एक हिंदू राष्ट्र बन जाए तो पूरे विश्व में और पूरे देश में कोई उसका विरोध नहीं कर सकता था। मैंने तो चंद साल पहले लिखा कि देश की शांति होना इतना अहम है कि मुझे इसमें एतराज नहीं, अगर हम अब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। और मेरे सारे लिबरल दोस्त मुझसे नाराज हैं उस बात पे। मैंने कहा कि देखो, शायद हम पाकिस्तान और सऊदी अरबिया जैसा तो नहीं बनना चाहते, तो वो वाला मॉडल तो हमें नहीं चाहिए। सेकुलरिज्म के भी अलग अलग मॉडल हैं, तो एक मॉडल तो इंग्लैंड का है कि इंग्लैंड में किंग जो है डिफेंडर ऑफ फेथ है, हेड है एंग्लिकन चर्च का, गॉड सेव द किंग है, लेकिन तब भी लोगों को सारी स्वतंत्रताएं हैं। तो एक ब्रिटिश मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म है, आप चाहें अपना लें उसे। यूनान का एक मॉडल है जहां संविधान ट्रिनिटी के नाम से शुरू होता है और बाकी पूरा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। बल्कि विश्व में 66 ऐसे संविधान हैं जिनकी प्रीएम्बल या प्रस्तावना ईश्वर के नाम से शुरू होती है। हमारी संविधान सभा में भी ये प्रस्ताव रखा गया कि साहब ईश्वर के नाम से भारत का संविधान शुरू किया जाए। पहले तो कुछ बंगाल के लोगों ने उसका विरोध किया, उन्होंने कहा नहीं, गॉड के नाम पे नहीं होगा, गॉडेस के नाम पे होगा, हम सब दुर्गा माँ के मानने वाले। फिर लोगों ने समझाया कि इस प्रस्ताव को विड्रॉ कर लो कामत जी, मगर वो माने नहीं और अल्टीमेटली प्रस्ताव पर वोटिंग हुई संविधान सभा। और एक धर्म प्रधान देश ने वोटिंग के जरिए गॉड को हरा दिया और संविधान ईश्वर के नाम पर शुरू नहीं हो पाया। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, ये बहुत बड़ा फैसला था। तो जब देश धर्म के नाम पर अगर बट रहा है, उस समय ये फैसला करना बहुत मुश्किल था। इसलिए मैंने ये लिखा चंद साल पहले कि हम लोगों की भावनाओं को समझते हुए, मद्देनजर रखते हुए संविधान में ये शायद लिख सकते हैं। आनंद भाई राजी नहीं होंगे इससे,
ये लिख सकते हैं कि हिंदुइज्म इज द डोमिनेंट स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ इंडिया। मेरे हिसाब से ये ऐतिहासिक तथ्य है, ये हमारी सोशल लाइफ का एक फैक्ट है, हमारी कल्चरल हिस्ट्री का एक हिस्सा है, इसे मान लेने में कोई एतराज़ नहीं है और इससे किसी अल्पसंख्यक का कोई अधिकार वॉयलेट नहीं होता। अगर इससे किसी के दिल में सुकून आता है कि चलो भारत एक हिंदू राष्ट्र बन गया तो कर दीजिए, इससे कोई ऐसी बात नहीं। मैं जिस मुद्दे की तरफ आपका ले जाना चाहता हूं वो ये कि जब देश का विभाजन हो चुका है, और मैं उसमें नहीं जा रहा हूं कि उसके लिए कौन हीरो थे और कौन उसके विलेन थे, वो सब हिस्ट्री आ चुकी है, बात ये थी कि क्या हम अब अपनी विभिन्नताओं को कैसे मैनेज करेंगे। महावीर त्यागी एक मेंबर थे संविधान सभा के, उन्होंने कहा अच्छा देखते हैं पाकिस्तान का भी संविधान बन रहा है, वो अपने अल्पसंख्यकों को कैसे अधिकार देते हैं, अपनी विभिन्नताओं को कैसे मैनेज करते हैं, वो जो अधिकार देंगे वही अधिकार हम भी दे देंगे। जो संविधान सभा के सेनर एलिमेंट्स थे पटेल और नेहरू और कई लोग, उन्होंने कहा ये क्या बकवास है, पाकिस्तान से हमें क्या मतलब है, हम पाकिस्तान से गवर्न नहीं होने वाले। हम अपने लिए संविधान बना रहे हैं, इसलिए हमको अपनी विभिन्नताओं के मैनेजमेंट का कोई फार्मूला अपने संविधान में लाना है कि कैसे देश की जो विभिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटीज हैं, वो संविधान में रिफ्लेक्ट हों। अब मैं आज एक बात आपसे कह रहा हूं, कुछ फिलोसॉफिकल है कुछ पॉलिटिकल है, राजनीति से मेरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं पॉलिटिकल दर्शन की बात कर रहा हूं। विभिन्नताओं को मैनेज करने का एक तरीका फेडरलिज्म है, राज्य अलग अलग होंगे, उन राज्यों की जरूरतें अलग अलग होंगी, उन राज्यों को कैसे संघ में शामिल किया जाए, किस तरह की संघात्मक शासन प्रणाली हम अपनाएं और उनके ऊपर अपनी विल जो एक यूनिटरी या एकात्मक संविधान में सेंटर या केंद्र लागू करता है, इम्पोज करता है, वो ना करें। ये हर उस देश का चैलेंज है जो बड़ा है और जहां विभिन्नताएं, छोटे देशों का ये चैलेंज नहीं। छोटे देश सेंट्रलाइज्ड हो सकते हैं, केंद्र का दबदबा हो सकता है, केंद्र से देश चलाया जा सकता है, लेकिन अगर देश बड़ा है, ज्योग्राफी अगर आपको ये डिक्टेट करती है कि आपको सबको साथ में लेके चलना है, तो आपको फिर फेडरलिज्म अपनाना होगा, केंद्र और राज्य में इस तरह का शक्तियों का वितरण हो कि दोनों को लगे कि कुछ ऐसे मामलात हैं जिनमें हमें ऑटोनॉमी है, आज़ादी है, जिसमें केंद्र जो है वो हस्तक्षेप नहीं करे। और मैं एक सख्त बात कहता हूं, जो देश अपनी विभिन्नताओं को ऑटोनॉमी देकर यानी फेडरलिज्म अपनाकर नहीं चलते वो विभाजित हो जाते। पूरी दुनिया में जब भी पार्टीशन होता है किसी देश का, वो इसलिए होता है कि आपका डाइवर्सिटी मैनेजमेंट खराब है। हमारे यहां भी क्या थी बात, बात तो यही थी कि केंद्र के लिए कुछ सीमित सब्जेक्ट्स होंगे और बाकी राज्यों को दिया जाए, जैसे अमेरिका में है। अगर हमने फेडरलिज्म को अपना लिया होता तो विभाजन नहीं होता।
और अगर अब हम फेडरलिज्म को अपनाए रहेंगे तो देश मजबूत रहे। फेडरलिज्म जो है लोगों को साथ में रखता है, हर एक को यह लगे कि मेरी सुनी जाती है और मेरी कोई औकात है, मेरा कोई मुकाम है इस सिस्टम में, किसी को मार्जिनलाइज ना किया जाए, किसी को डेप्राइव ना किया जाए, ये आइडिया है फेडरलिज्म का। सारा झगड़ा जो हो रहा है विभाजन को लेके, वो ये हो रहा है कि प्रोविंसेस के क्या राइट होंगे और सेंटर की क्या पावर्स होंगी। तो वो देश जो फेडरलिज्म को नहीं मानते अल्टीमेटली विभाजन फेस करते हैं, विभाजित हो जाते हैं। वो देश जो धर्म के नाम पर विभाजित हो गया, वो देश जिसने पोस्ट पार्टीशन दंगों को फेस किया, उसके बाद भी उसने फेडरलिज्म को अपनाया, राज्यों को शक्तियां दी, कहा कि ये जो 66 आइटम हैं स्टेट लिस्ट में, आप इस पर कानून बनाएं। पार्लियामेंट इस पर कानून नहीं बनाई। और ये जो 47 हैं इसमें आप भी बनाएं कॉन्करेंट लिस्ट में, हम भी बनाएंगे। और फिर यूनियन लिस्ट के वो आइटम्स हैं जिसपे जाहिर है कि संसद कानून बनाएगी। तो सबसे बड़ा डाइवर्सिटी मैनेजमेंट का फार्मूला है फेडरलिज्म। दूसरा डाइवर्सिटी मैनेजमेंट का फार्मूला है कि कोई एक धर्म राज्य का धर्म नहीं होगा। और मैं बहुत दिन से यह बात कह रहा हूं, लिख रहा हूं, लोग मानते नहीं है, अब कुछ कुछ एहसास होने लगा है। धर्म निरपेक्षता कोई मुसलमानों का या अल्पसंख्यकों का मुद्दा नहीं है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है अल्पसंख्यकों से। धर्म निरपेक्षता का मतलब है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। और राज्य का धर्म ना होने में मेरा विचार यह है कि सबसे ज्यादा धर्म का फायदा होता है। ये डायमेंशन आमतौर से सेकुलरिज्म का लोग समझते नहीं है। अल्पसंख्यकों का फायदा नहीं है, धर्म का फायदा है। क्योंकि अगर राज्य का कोई धर्म होगा तो राज धर्म पर हावी हो जाएगा, फिर धर्म वो होगा जो राज्य चाहे, फिर अकबर दीन इलाही ले आएगा। फिर मुहूर्त है या नहीं ये शंकराचार्य नहीं बताएंगे, राज्य तय कर देगा। चाहे इस्लाम धर्म हो, इस्लामिक राज्यों ने सबसे ज्यादा उस धर्म को नुकसान पहुंचाया। चाहे ईसाई धर्म हो, होली रोमन एम्पायर ने उस धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। धर्म जो है वो स्पिरिचुअलिटी का डोमेन है और राज वर्ल्डली डोमेन है। इसलिए जो दुनियावी है, सांसारिक है, उसका अध्यात्म से क्या वास्ता। सालवेशन ऑफ सोल राज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सालवेशन ऑफ सोल तो धर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा इसे राज्य फिक्र ना करे धर्म की। इसलिए धर्म की आजादी, यानी रिलीजन, लोगों की आजादी की बात नहीं कर रहा हूं, धर्म की आजादी, धर्म को राज्य से बचाना, उसके लिए है धर्म निरपेक्षता। वरना राज जो चाहता है वो धर्म बना देता है। आपको एग्जाम्पल दे दूं, मैं बात खत्म करता हूं।
इंग्लैंड में एक राजा था हेनरी द 8th, बीवी थी ऑलरेडी, फिर उसका शादी का दिल चाहा स्पेन की राजकुमारी कैथरीन से, पोप से परमिशन मांगी। जाहिर है कि पोप ने परमिशन नहीं दी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में तो दूसरी शादी नहीं कर सकते। उसने कहा गो टू हेल, पोप से रिश्ता तोड़ दिया, एक नई चर्च कायम कर दी, एक नया रिलीजन बना दिया और खुद उस रिलीजन का हेड बन गया। तभी तो आज इंग्लिश किंग जो है वो एंग्लिकन चर्च का हेड है। शुरुआत तो हेनरी 8 ने की। तो अगर धर्म को राज्य से बचाना है तो धर्मनिरपेक्षता चाहिए। धर्म के लिए अच्छा है ताकि राज धर्म पर हावी ना हो, राज धर्म में हस्तक्षेप ना करे, राज ये ना बताया जाए किसकी पूजा की जाए और कब की जाए। वो काम धर्म वालों को ही करने दें तो अच्छा है। संविधान ने यह शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन संविधान ने तो फेडरलिज्म भी इस्तेमाल नहीं किया। अब हम कहते हैं कि साहब वो तो इंदिरा जी ने इमरजेंसी के दौरान 22वें संशोधन से 1976 में बहुत बुरा काम किया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान में ऐड कर दी। इंदिरा जी के ये करने से 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती में धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित कर चुकी थी। जो शब्द नहीं था संविधान में, तब भी उन्होंने कहा कि ये संविधान का मूलभूत ढांचा है। जैसे फेडरलिज्म नहीं है संविधान में, लेकिन वो संविधान का मूलभूत ढांचा है। After all, what is there in the words? शब्द होने से कुछ नहीं होता। मुझे लगता है जिस दिन से भारत में ये धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में आया है, हम कम धर्मनिरपेक्ष होते जा रहे हैं हर साल। शायद पहले ज्यादा थे, 76 से पहले ज्यादा थे। संविधान में जब हमने कहा कि कोई प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई रिलीजन की शर्त नहीं है, तो आप धर्मनिरपेक्ष हैं। जब आपने कहा कोई धार्मिक टैक्स नहीं लगेगा, तो आप धर्मनिरपेक्ष हैं। जब आपने कहा कोई धार्मिक शिक्षा स्कूलों में नहीं दी जाएगी, तो आप धर्मनिरपेक्ष हैं। जब धार्मिक स्वतंत्रता लोगों को दे दी, तो आप धर्मनिरपेक्ष हैं। तो शब्द नहीं था, लेकिन संविधान साफ तौर से जोर जोर से चीख चीख कर कह रहा था कि हमारे देश में पब्लिक स्क्वायर में धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है, इसको प्राइवेट स्क्वायर में भेजो। लोग जिस धर्म को चाहे माने, एक महीने के बजाय पूरे साल मुसलमान रोजा रख लें, 5 वक्त के बजाय 50 वक्त नमाज पढ़ें, किसी को पूजा पाठ करनी है वो 24 घंटे पूजा पाठ करे, उसकी प्राइवेट चॉइस है। लेकिन राज्य का कोई लेना देना किसी धर्म से नहीं होगा, सब धर्मों से राज समान दूरी बनाए रखेगा। किसी भी मल्टी रिलीजियस स्टेट के लिए यह डाइवर्सिटी मैनेजमेंट का एक दूसरा मैकेनिज्म है फेडरलिज्म के अलावा, कि किसी को यह ना लगे कि राज्य किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित करता है या किसी धर्म विशेष के प्रति कोई उसकी द्वेष है या प्रिजुडिस है। फिर आपके समाज में दलित हैं, पिछड़े हैं, वो लोग हैं जिनका शताब्दियों से शोषण हुआ है,
उनका मैनेजमेंट कैसे हो? पूरा आरक्षण का आइडिया जो है वो तो डाइवर्सिटी मैनेजमेंट का एक मैकेनिज्म है। एक दलित बच्चा जो पट्टी वाले सरकारी स्कूल में 12वीं क्लास पास किया है, जिसके स्कूल में 1000 बच्चे थे और 4 टीचर थे, जिसने शाम में खाना भी नहीं खाया और आज उसके नीट का एग्जाम है और जेईई का एग्जाम है और क्लैट का एग्जाम है, और एक पब्लिक स्कूल, वो तो मिसनॉमर है बेसिकली, प्राइवेट स्कूल को इंडिया में पब्लिक स्कूल कहते हैं, जिसके नाश्ते में पोहा भी था और पूरी भी थी और छोले भी थे और भटूरे भी थे और जलेबी भी थी, इतना खा के वो जाके एग्जाम दे रहा है, तो इक्वल कहाँ है रेस? आप कह रहे हैं रेस इक्वल है, वो रेस तो इक्वल है ही नहीं। तो ये डाइवर्सिटी है, दोनों बराबर नहीं है, समानता का अधिकार काफी नहीं है। और आपने तो समानता के अधिकार की यह व्याख्या की बाद में कि लाइक्स विल बी ट्रीटेड अलाइक, जो एक से हैं उनके लिए लॉ एक होगा, अनलाइक्स आर नॉट टू बी ट्रीटेड अलाइक। ये तो आपका राइट टू इक्वालिटी आपने बनाया बाद में, जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन आया। लेकिन एक्नॉलेजिंग के समाज में विभिन्नताएं हैं, उन विभिन्नताओं को कैसे मैनेज करें, इसलिए हमने कहा कि जो पीछे रह गए, जो नीचे रह गए, उनको ऊपर उठाने के लिए एक पुशअप मेथड चाहिए, वो पुशअप मेथड आरक्षण है। और मैंने बार बार इस पर लिखा है कि ज्यादातर अदालतें आरक्षण को किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल करने की, रेस्ट्रिक्ट करने की, कन्फाइन करने की कोशिश करते हैं। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि 50% की लिमिट होगी, संविधान में कहीं नहीं लिखा है क्रीमी लेयर का एक्सक्लूजन होगा, संविधान में कहीं नहीं लिखा प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा, लेकिन ये सारे जजमेंट दिए कोर्ट्स ने। वो अलग बात है कि बाद में उन्हें संवैधानिक संशोधन से उन जजमेंट्स को हमने बदला, और मेरा अंदाज़ा है कि ये जो लेटेस्ट जजमेंट है सब कैटेगराइजेशन का, ये भी इवेंचुअली एक संवैधानिक संशोधन होकर बदला जाएगा। क्रीमी लेयर पे मैंने आधे घंटे के जजमेंट देने के बाद कह दिया था कि ये नहीं चलेगा, आपको मालूम है कैबिनेट ने फैसला कर लिया है कि क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन नहीं होगा। लेकिन ये ज़्यादातर फैसले जो कार्यपालिका रिजर्वेशन के लिए करती है, वो इसलिए नहीं करती कि वो विभिन्नताओं का बेटर मैनेजमेंट करना चाहती है, बल्कि उसके पीछे एक पॉलिटिक्स होती है कि वोट हमारे ना खिसक जाएं। इसलिए ज़्यादातर आरक्षण की जो घोषणाएं हुई हैं वो किसी चुनाव से पहले हुई, तो हमने उस अच्छे प्रोविजन को पॉलिटिसाइज कर दिया। जो समाज की विभिन्नताएं हैं वो देश की हर संस्था में रिफ्लेक्ट हों, राज्य की हर संस्था में, हर इंस्टीट्यूशन पे जो डाइवर्सिटी है वो रिफ्लेक्ट हो, ये है आरक्षण का पर्पस और उद्देश्य। विभिन्नताओं के मैनेजमेंट का एक और बड़ा तरीका भाषा जो है वो धर्म से भी ज्यादा यूनिफाइंग है। जिना की थ्योरी 25 साल भी नहीं चल पाई, धर्म के नाम पर राष्ट्र बनाने का गलत विचार, तो 25 साल में धराशायी हो गया।
जो ईस्ट पाकिस्तान था वो तो सब मुसलमान थे, जो आज बांग्लादेश है पाकिस्तान के साथ तो नहीं रह पाए, क्योंकि उनकी भाषा को कुचला जा रहा था और धर्म के नाम पर राष्ट्र बनने नहीं चाहिए, वरना ये 50-55 इस्लामी राष्ट्र क्यों हैं? एक बन जाए उनमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लाम। ये विश्व में इतने ईसाई राष्ट्र क्यों हैं? एक बन जाए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। लेकिन आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा युद्ध ईसाइयों का ईसाई राष्ट्र के विरुद्ध हुआ, एक ईसाई देश दूसरे ईसाई देश से लड़ रहा था, 100 ईयर्स वॉर यूरोप में हुई ईसाइयों के बीच, 30 ईयर्स वॉर यूरोप में हुई ईसाइयों के बीच, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकेंड यूरोप में हुई ईसाई देशों के बीच। यह भी यह साबित करता है कि धर्म के नाम पर राष्ट्र नहीं बनते। पाकिस्तान का एक्सपेरिमेंट टू नेशन थ्योरी फेल हुई, क्योंकि आइडिया ही फ्लॉट था। 1000 साल साथ में रहने के बाद आप कहते हैं अब हम नहीं रह सकते, क्यों नहीं रह सकते? वहां पे जो बॉर्डर है वो नेचुरल बॉर्डर ही नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी ने वहां कोई देश नहीं बनाया। इसलिए चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, दोनों अननेचुरल देश है, ज्योग्राफी डिक्टेट नहीं करती कि वहां अलग देश हो, वो एक देश है। इसको सोचते हुए कि भाषा कितना सेंसिटिव सब्जेक्ट है, हमने कोई राष्ट्रभाषा घोषित नहीं की। यह है डाइवर्सिटी मैनेजमेंट। कोई नेशनल लैंग्वेज भारत के संविधान ने नहीं डिक्लेयर की, और हमने अधिकार दिया हर नागरिक को, गो के उसका टाइटल है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, लेकिन उसमें तो शब्द माइनॉरिटी है ही नहीं। अनुच्छेद 29 तो ये कहता है एनी सेक्शन ऑफ इंडियन सिटीजन्स हैविंग द डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। इसमें अल्पसंख्यक कहां है? ये तो राइट है भारत के किसी भी नागरिकों के समूह का जिसकी अपनी भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, कि वो उसको प्रिजर्व करे, कंजर्व करे, सुरक्षित करे। हमने भाषाओं के साथ बड़ी ज्यादती की। देश में कितनी भाषाएं मर गईं 70 साल में, सैकड़ों भाषाएं मर गईं। भाषाएं मर चुकी हैं 70 साल। जिस भाषा में तुलसीदास लिख रहे थे और सूरदास लिख रहे थे, आपने कहां मार दी वो भाषा? और लिपि का भी राइट है, स्क्रिप्ट का भी राइट है। इसलिए सिर्फ उर्दू को बचाने का राइट नहीं है, उर्दू की स्क्रिप्ट को भी बचाने का राइट है। और उर्दू का कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, पूरी दुनिया में कोई मुसलमान उर्दू नहीं बोलता है, भारत के भी सारे मुसलमान उर्दू नहीं बोलते। मलयाली मुसलमान तो मलयाली बोलता है, कन्नड़ मुसलमान कन्नड़ बोलता है, तमिल मुसलमान तमिल बोलता है। ये तो सिर्फ कुछ यूपी वाले, बिहार वाले, कुछ थोड़े बहुत हैदराबाद वाले, जहां पे उर्दू शुरू हुई एज अ दक्कनी और फिर दिल्ली आई और लखनऊ आई, वो बोलते हैं। और ये पाकिस्तान की भी भाषा नहीं, एक कंट्री उन्होंने बनवा दिया बांग्लादेश उर्दू इंपोज करने के चक्कर में, जबकि पाकिस्तान की भाषा ही नहीं है। 4 प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान में, पंजाब आपको मालूम है 2/3 तो वो है,
तो भाषा तो पंजाबी है ना उनकी, उर्दू थोड़ी है। इसीलिए तो नवजोत सिंधु की ज्यादा इमरान खान से दोस्ती है, दोनों पंजाबी बोलते हैं। आप कोई पाकिस्तानी शादी देख लीजिए और कोई पंजाबी शादी देख लीजिए, बिल्कुल एक सी होगी, सारी रस्में भी एक सी होंगी। फिर सिंध है तो सिंधी बोलते हैं, फिर बलूचिस्तान है तो बलोच बोलते हैं, फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है वो पश्तो बोलते हैं। तो उर्दू कहाँ है वहां? उर्दू तो हमारी भाषा है, उर्दू पर पाकिस्तान का कोई बौद्धिक अधिकार नहीं है सर। इंटेलेक्चुअल कैपिटल हमारी है, इंटेलेक्चुअल राइट इंडियंस का है उर्दू पे। हमने जेनोसाइड किया भाषाओं का, कई भाषाओं को मिला दिया, ये कह दिया ये हिंदी है, ये हिंदी है, ये हिंदी है। वो हिंदी नहीं थी, उसका तो अपना लिटरेचर था, उसकी अपनी लिंग्विस्टिक थी। ये पूरा अल्पसंख्यकों के अधिकार का मुद्दा बेसिकली धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार का मुद्दा नहीं है, ये हमारा मिसकंसेप्शन है। जहां अल्पसंख्यक नाम आया हमने समझा ईसाई मुसलमान, ईसाई मुसलमान, इनका उससे कोई ताल्लुक नहीं। अनुच्छेद 30 ये कहता है माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं या धार्मिक अल्पसंख्यक हैं वो क्या कर सकते हैं? शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रशासन चला सकते हैं। पढ़ाने की जिम्मेदारी तो सरकार की है बेसिकली, अब तो आर्टिकल 21A भी आ गया। सरकार के पास संसाधन नहीं है, आनंद भाई ज्यादा बता सकते हैं, पर मैंने नहीं पढ़ा कहीं कि किसी सरकार ने कितने सरकारी इंटर कॉलेजेस पिछले 25 साल में बनाए, और जो हैं वो मैंने आपको बता दिए, 1000 बच्चे और 4 टीचर, 3 टीचर, रवीश कुमार कई शोज पे कर चुके। तो बेसिकली तो ड्यूटी सरकार की थी शिक्षा देना, सरकार के पास रिसोर्सेज नहीं है। तो भाषाई अल्पसंख्यकों को और धार्मिक अल्पसंख्यकों को कहा कि अच्छा तुम बना दो, आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो, आप अपने रिसोर्सेस करो, चंदा लाओ। और उन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में जो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक बनाएंगे 50% बहुसंख्यक पढ़ते हैं, क्योंकि यही लॉ है, सेंट स्टीफन का यही जजमेंट है। आमतौर से किसी भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में 50% बहुसंख्यक पढ़ते हैं और हम इसको तुष्टीकरण कहते हैं। ये कौन सा तुष्टीकरण हुआ भाई? अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक पढ़ाते हैं। हम में से कितने लोग क्रिश्चियन मिशनरीज स्कूलों में पढ़े हुए हैं और हम में से कितने पैदा हुए हैं क्रिश्चियन मिशनरी हॉस्पिटल्स? और उनका यह अधिकार नहीं है कि राज्य उनको अनुदान दे, राइट टू एड नहीं है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का। राज्य चाहे तो अनुदान दे, चाहे तो ना दे। क्यों शिक्षण संस्थान बनाने की व्यवस्था की संविधान ने? क्योंकि विभिन्नताओं का मैनेजमेंट करना था। भाषा कोई कैसे बचेगी? अकेले बचा सकता हूं उर्दू को? लोग चाहिए जिनसे उर्दू बोलूंगा। संस्कृति को कैसे बचाऊं? होली अकेले कैसे खेलूं? मातम कैसे करूं अकेले इमाम हुसैन के नाम का? जब तक ग्रुप अवेलेबल नहीं है तब तक भाषा के राइट का कोई मीनिंग नहीं है। अकेले में भाषा डेवलप नहीं होती।
यूनेस्को के हिसाब से जो भाषा बोलने वाले लोग 10,000 से कम रह जाएं उसको जैसे इंडेंजर्ड एनिमल होते हैं ऐसे इंडेंजर्ड लैंग्वेज कहते हैं कि ये भाषा मरने वाली है जब 10,000 से कम लोग उसे बोल लें। तो आप अपना शिक्षण संस्थान बना लीजिए, उसमें आपको वो लोग मिल जाएंगे जो आपकी भाषा बोलेंगे। इसलिए यूपी का ब्राह्मण तमिलनाडु में जाकर अगर हिंदी मीडियम स्कूल बनाएगा तो वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान होगा संविधान के हिसाब से, क्योंकि तमिलनाडु में हिंदी को प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है। अगर वो चाहे कि उसके बच्चे हिंदी पढ़ें, हिंदी मीडियम में पढ़ें, तमिलनाडु में कैसे पढ़ेंगे? इसमें कौन सा तुष्टिकरण है? ये मानना कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान मुसलमान ईसाइयों के हैं और उनको कोई बहुत लड्डू पेड़े मिल रहे हैं, बेसिकली वो राइट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का है। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि ज्यादा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के हैं या धार्मिक ज्यादा है। कम से कम 100 सिंधी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान तो मैं जानता हूं, और कई के केसेस तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुकी है। हमारा तो ऐसा फ्लॉड आइडिया था, तो जब संविधान बनाया तो हमने पहले सिंधी को रखा ही नहीं संविधान में अपनी भाषाओं में। हमने सोचा ये सिंध तो पाकिस्तान चला गया तो पाकिस्तान की हो गई। वो सिंधी लोगों ने हंगामा काटा, उन्होंने यही क्या बकवास है, हम इतने हैं इंडिया में, तो फिर हमने सिंधी जोड़ी। आज 100 से ज्यादा सिंधी शिक्षण संस्थान हैं देश में, दिल्ली में भी हैं कम से कम एक दर्जन से ज्यादा। कन्नड़ के, मराठी के, तमिल, मलयाली, बीएड कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस, तमाम अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं। ये हमारी डाइवर्सिटी का एक मैनेजमेंट था। संविधान का एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है हर संविधान, भारत के संविधान का भी है। वो लक्ष्य क्या है, इसी पे मैं अपनी बात खत्म करूंगा आज। हम उस लक्ष्य की बात ही नहीं करते। संप्रभु है, हम वॉशिंगटन और दशा से नहीं गवर्न होते, अपने फैसले वी आर इंटरनली सुप्रीम एंड एक्सटर्नली फ्री। हमारे राज्य का कोई धर्म नहीं है। हमने कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को समाप्त करना है। ऐसा देश है जो कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं, दे आर टू बी सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज टू सबसर्व द कॉमन गुड। वो समाजवाद लेनिन वाला ना हो, लेकिन एक तरह का समाजवाद है। जनतंत्र हैं, चुनाव होते हैं, गो के बस चुनाव होते हैं। हमने अपने जीवन में जनतंत्र को नहीं उतारा, क्योंकि जनतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिसेंट एसेंस है। अगर हम डिसेंट सुनने के लिए तैयार नहीं है तो जनतंत्र क्या है? कांग्रेस पार्टी में गांधी फैमिली के विरुद्ध बोल सकते हैं? नहीं। टीएमसी में ममता के विरुद्ध, एसपी में अखिलेश के विरुद्ध, शिवसेना उद्धव ठाकरे में उद्धव के विरुद्ध, जो भी बोलेगा डिसिडेंट कहलाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। कोई इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे अपने जीवन में जनतंत्र नहीं है, हमारी अपनी फैमिलीज में जनतंत्र नहीं है, पर हमने राष्ट्र की आइडेंटिटी बताई कि हम जनतांत्रिक देश हैं।
और हम गणतंत्र हैं, हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट, वो नॉमिनल हेड है और चुनाव होता है उसका, वो कोई राजा महाराजा नहीं। तो सबसे पहले हमने राष्ट्र क्या है ये बता दिया, फिर हमने कहा कि क्या हमारे देश के नागरिकों के अधिकार हैं, क्या देश के हर नागरिक के पास है। तो हमने कहा कि साहब जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कितना है आपको मालूम, लेकिन अधिकार है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये अधिकार है। और अधिकार है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हर व्यक्ति की डिग्निटी, जिसका जिक्र कल शायद राहुल गांधी ने किया कि सम्मान मिले सबको। लेकिन इनमें से लक्ष्य क्या था, ये कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य इसके बाद आया। अगर राष्ट्र ये होगा, अधिकार लोगों के एंटाइटलमेंट ये होंगे, अगर हर व्यक्ति को सम्मान मिलेगा, डिग्निटी मिलेगी, तब हम उस लक्ष्य को पाएंगे जिसको संविधान ने कहा फ्रटर्निटी, भाईचारा, ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड। गोल फ्रटर्निटी है और इसकी सबसे कम बात हमारे मीडिया में हुई है, सबसे कम बात संविधान सभाओं पे जो डिस्कशंस हुए हैं उनमें हुई है। डाइवर्सिटी मैनेजमेंट क्यों चाहते हैं हम, ताकि फ्रटर्निटी आ जाए, भाईचारा हो जाए, हर एक को ये लगे कि मेरी बात, मेरा धर्म, मेरी संस्कृति, मेरी भाषा, मेरे विचार, मेरा राज्य, इस सब को कुछ ना कुछ इस देश के संविधान ने दिया। अगर हम फ्रटर्निटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो जाहिर है कि जो राष्ट्र का लक्ष्य संविधान ने तय किया है, हम उसके विरुद्ध जा रहे हैं। और असली राष्ट्रद्रोही वही है जो राष्ट्र को अपने लक्ष्य के से दूर कर दे। विभिन्नताओं का मैनेजमेंट राष्ट्र इस तरह से करना चाहता है कि समाज में शांति हो, हार्मनी हो। इसलिए जब लोगों की फंडामेंटल ड्यूटीज बताई, तो उसमें भी कहा कि जो हमारा कंपोजिट हेरिटेज है, जिसमें डाइवर्सिटीज हैं, रिलीजियस, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, उनको कंजर्व करें, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है। जो सेक्शनल डाइवर्सिटीज हैं, कहा एब्जोर वॉयलेंस अगेंस्ट वेमेन, हम क्या करते हैं, हर 17, 18, 20 मिनट में एक औरत का बलात्कार हो जाता है देश में। अगर देश में औरतों को ये लगता है कि ना वो स्कूल में, ना वो मेडिकल कॉलेज में, ना वो बस में, ना वो सड़क पर कहीं सुरक्षित नहीं है, 50% लोग अगर डिससेटिस्फाइड हो जाए, तो हार्मनी कैसे होगी। ये हार्मनी कोई हिंदू मुस्लिम हार्मनी थोड़ी है, ये हार्मनी है कि तमिलनाडु को भी लगे कि मेरे साथ इंसाफ हो रहा है, और मणिपुर को भी लगे कि मेरे साथ इंसाफ हो रहा है। यकीनन हमने अमेरिकन संविधान की तरह हर राज्य से दो रिप्रेजेंटेटिव नहीं लिए राज्यसभा में,
उनके यहाँ चाहे बड़ी स्टेट हो या छोटी स्टेट हो, सीनेट में दो ही मेंबर आएंगे। हमारे यहाँ कुछ से ज़्यादा आते हैं, कुछ से कम आते हैं। लेकिन केंद्र और राज्यों में जो शक्तियों का वितरण है, उसमें यह नहीं देखा जाएगा कि कितने राज्यसभा के मेंबर हैं। अगर कोई राज्य है तो राज्य है, हर राज्य की शक्तियां बराबर हैं। मैं 10 साल दक्षिण में रहा, बल्कि यूपी में शायद ये मेरा पहला पब्लिक लेक्चर है। मैंने देश के कई और राज्यों में दिया, लेकिन अपने राज्य में ना किसी ने कभी मौका दिया ऐसा, और ना मुझे टाइम मिला कि मैं कोई इनविटेशन एक्सेप्ट करता। दक्षिण में एक अनीज है, पॉपुलेशन कंट्रोल उन्होंने की, जीडीपी उन्होंने इम्प्रूव की, एजुकेशन उन्होंने बढ़ाई, अब उन्हें लग रहा है कि आप उनकी संख्या कम करने वाले हैं। अगर ये डिससेटिस्फेक्शन चार राज्यों में हो गया तो हमारे देश का डाइवर्सिटी मैनेजमेंट तो अपसाइड डाउन हो जाए। कैसे हम करें डिलिमिटेशन, कैसे फिर दोबारा से बनाएंगे संसद के सदस्य, किस राज्य से कितने आएंगे, इस सवाल पे तो आज से विचार करना होगा। और अगर राज्यों को यह लगने लगे कि कभी भी उनको यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है, तो फिर विभिन्नताओं का मैनेजमेंट कैसे होगा? जो एक राज्य के साथ हो सकता है वो किसी भी राज्य के साथ कानूनन हो सकता है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ होगा ना।